बेटा 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 क्या चल रहा था? वेक्टरों का मतलब सदिश विश्लेषण चैप्टर था, उसमें हम गुणन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, देखो बेटा, यदि वेक्टर a बराबर ए एक्स आई के, कितना ए एक्स प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड के, वेक्टर ऐसे ही तो होगा। फिर वेक्टर b बराबर बी एक्स आई के प्लस बी बाई प्लस बी जेड के, राइट, इतना ही होगा। अब जरा बताओ, इसमें हमने पूछा तुमसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बताओ, निकालना है, राइट, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो इसमें दो टाइप से गुणा होगा, एक वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है सदिश में आएगा, क्रॉस भी आएगा, अदिश गुणन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप में बोले वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो, तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, करें वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या करोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर डॉट, फिर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या यहाँ तक बात समझ में आए बेटा? ये बताओ, अब हम जब गुणा करेंगे तो गुणा का तो वही रूल होता है जैसे हम लोगों ने पहले कभी किया है, इसके साथ सारे टर्म, फिर इसके साथ, फिर है ना, तो लिखते हैं ए एक्स आई कैप के साथ ये सारे टर्म, क्या लिखोगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, प्लस चिन्ह लगाओ, ए बाई के साथ ये सारे टर्म, ए बाई जे कैप ब्रैकेट, ये जे है बेटा, आई अगर लगे थोड़ी देर बाद, चूंकि लग सकता है जे, है ना, क्या लिखोगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई प्लस बी जेड के कर, राइट, फिर इसके साथ ये पूरा ए जेड के कर, फिर क्या होगा, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कर, यहाँ तक तो आया। अगर बेटा यहाँ तक समझ में आया, जरा बराबर का चिन्ह लगाओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर। आप जरा बताओ, जब इसका गुणा इसके पूरे के साथ करोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप, अलग अलग कर ले कोई दिक्कत, ए एक्स और बी एक्स हमने साथ में रख लिए एक्स वाले, फिर आई आई ये साथ में रख लिए, कोई दिक्कत, फिर ऐसे ए एक्स बी वाई, फिर ये दोनों आई और जे, आई कैप डॉट जे कैप, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, यहाँ तक बात आई समझ में? फिर बेटा इसको पूरा करो, इसको करोगे तो क्या बनेगा, ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स ब्रैकेट आई कैप जे कैप, या जे कैप आई कैप, क्रमशः लिखते चलते हैं, ये जे है, ये जे, ए बाई जे, ये आई है, तो जे और आई, ये हम ऐसे करके बनाते हैं, ठीक, फिर ए बाई बी बाई जे कैप डॉट, ठीक, प्लस ए बाई बी जेड, क्या है बेटा, जे कैप डॉट के कैप, यहाँ तक आया हाँ, इधर वाला बेटा ए जेड बी एक्स, फिर के कैप डॉट आई कैप, फिर ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर ए जेड बी जेड, फिर क्या बचेगा, के कैप डॉट के कैप। क्या यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? अगर इतनी आई तो इसके आगे बात अब और आसान है, पता है क्यों, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जरा अगर रूल देखें, क्या देखें, रूल जरा बताना, इसमें या नोट बना के लिखना ना या रिवाइज रखना, जो भी रूल है ना, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट
के कैप, इनकी सबकी वैल्यू एक होती है। कैसी होती है? अगर आई कैप डॉट आई कैप है या जे कैप डॉट जे कैप है या के कैप डॉट, वैल्यू कितनी होगी? एक। अब बेटा आई कैप डॉट जे कैप आ जाए, जे कैप डॉट के कैप आ जाए, के कैप डॉट आई कैप आ, मतलब जो सेम सेम ना हो बाकी अदर कुछ भी हो, तो वैल्यू कितनी आती है? जीरो। कितनी आती है? चलो वैल्यू रखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या बनेगा? वेक्टर ए तो ये ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। बाकी सब भाई यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा, मतलब ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, फिर ये जे आई है ये भी जीरो बन जाएगा, ये फिर ये, फिर ये के कैप डॉट के कैप वन, तो क्या बनेगा? प्लस ए बाई, मतलब जीरो प्लस ए बाई बी बाई प्लस जीरो, इतना ही तो बचा। फिर ये क्या बच रहा है? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस ए जेड और बी जेड, साथ में वैल्यू एक है तो एक लिखो या ना लिखो गुणा करना है, क्या जाता है? आया समझ में? तो मतलब क्या आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू बनी वो बनी ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई प्लस ए जेड, है ना? तो इतना जरा लिखो, फिर गुणा हम करते हैं कुछ वैल्यू ऐसा लिख लो। हाँ वेक्टरों का गुणा है। देखो क्वेश्चन बताया गया, यदि वेक्टर ए बराबर दो आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक, एंड वेक्टर बी बराबर तीन आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस थ्री के कैप, तो क्या निकालना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें बेटा सॉल्यूशन, रुक जाओ ऐसे थोड़ी ना शॉर्ट है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? दो आई कैप प्लस तीन जे कैप प्लस चार के कैप, फिर डॉट लगा, फिर क्या है? तीन आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस, ठीक, याद रखना जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं तो आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का गुणा करते हैं, दो तीन आई कैप डॉट आई कैप प्लस तीन दूनी जे कैप डॉट प्लस चार तीन के कैप डॉट के कैप। अब चूंकि हम जानते हैं क्या ये डॉट था ना, क्या जानते हो? आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट बराबर के कैप डॉट, वैल्यू कितनी होती है? पटक दो, छः प्लस छः प्लस बारह, बारह और बारह, अरे आया, सरल था, चलो ऐसे ही करेंगे अब, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा बेटा क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर दिया गया तीन आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है। वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया? टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, निकालना क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहले इतना निकालिएगा फिर इसके बाद में इसमें कुछ टॉपिक आगे बढ़ाए। बड़े बेटा बिट्टो देखो सूत्र, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर और क्या होता है? मॉड ए मॉड बी और क्या आता है? कास थीटा, मॉड ए मॉड बी कास, जहां मॉड ए क्या है? ए का परिमाण है, क्या है? वेक्टर ए का परिमाण। अब हम निकालना सीखेंगे क्या परिमाण कैसे निकालते हैं, फिर बात कर लेंगे। मॉड बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण, इतना लिख लो फिर आगे बात बढ़ाएं।
ये बताओ, यदि इफ वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई के, ए बाई जे के, ए जेड के का, बेटा यहाँ तक आया। वेक्टर बी बराबर क्या, बी एक्स आई के, बी बाई बी जेड, बेटा ए का परिमाण और बी का परिमाण हमें बताना है। क्या बताना है, ए का परिमाण और ए का परिमाण कितना आएगा, ए का परिमाण, ए का परिमाण मतलब क्या बोलेंगे इसे, मॉड ए बराबर बोलते हैं अंडर रूट, क्या लगा के, ए एक्स स्क्वायर ए बाई प्लस ए जेड, मतलब जो वैल्यू आए इसमें 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 उनका स्क्वायर करके जोड़ दो, आया। फिर ऐसे ही बी का परिमाण, प्लस प्लस आया, तो ये परिमाण है। जल्दी लिखो फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं कैसे निकालते हैं। हाँ आए से देखो बेटा, मोडे है ए बराबर लिख सकते हैं, इसे बी बराबर लगे, सिर्फ वेक्टर हटा देंगे राइट, और जब कहीं वेक्टर हट जाए तो उसका मतलब क्या है, वो परिमाण दिया है उसने वेक्टर हटा के, ठीक। देख लो जरा बताना, अरे बेटा इधर, यदि वेक्टर ए बराबर दो आई कैप माइनस तीन जे कैप प्लस, हेलो मॉड ए और मॉड मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण निकालना है, क्या निकाल पाओ, एक बता दें दूसरा निकाल लेना। सोलूशन, वेक्टर ए बराबर कितना है, दो आई कैप माइनस तीन जे कैप माइनस चार के कैप, ए बराबर मॉड ए, ऐसे तो बोलेंगे ए का परिमाण, क्या बोल सकते हैं, ए का परिमाण बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट दो का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस तीन का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन त्रके चार चौके सोलह नौ पच्चीस और चार, तो बात बेटा समझ में आई, ए का परिमाण आ गया, बी का निकाल लो, जल्दी बताओ। देखो कोई बात नहीं, बचपन होने दो, बेटा तो वेक्टर ए बा वेक्टर बी के बीच बनने वाले कोण की गणना करो, कोण की गणना करो। देखो बेटा कर लो बेटा, बुराई कर लो कोई बात नहीं, भगवान से बेटा, हेलो हुआ कि नहीं बेटा, वेक्टर ए अगर दिया तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लोगे, दो आई कैप प्लस तीन जे कैप माइनस आठ के फिर डॉट, फिर ये क्या है बेटा, यहाँ तक तो आया ना, आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का, दो तिया तीन एकन आठ एकन आठ तीन छ से गया ग्यारह, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया, अब मॉड ए निकाल ले, मॉड ए जब निकालोगे तो बेटा क्या होगा, ए के गुणांक कितने हैं, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर माइनस आठ का स्क्वायर, इतना तो कर लोगे ना बेटा, दो का स्क्वायर चार, तीन का नौ, आठ का चौंसठ, वैल्यू कितनी आएगी, नौ चार तेरह और चार सत्रह का सात, छः और एक पचहत्तर, मॉड ए आया, ऐसे ही मॉड बी, मॉड बी निकालोगे अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस वन का
बन नहीं, प्लस हो जाएगा, प्लस बन का स्क्वायर, तीन तरह के 9 और 1 10 और 1 अंडर रूट, ये वेक्टर भी आया मॉड का, है ना। अब बेटा हमें निकालना क्या है, कोण, कोण मतलब थीटा, क्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होता, अगर मैग्नीट्यूड लगाए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इतना है बेटा तो इसमें हम क्या कर दें, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, सूत्र बताया था मॉड ए मॉड बी कॉस, ये बताया था ना बेटा मॉड, अच्छा कॉस थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बटे मॉड ए मॉड बी, वैल्यू पटक दो, वैल्यू क्या करो, कॉस थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया, माइनस का 5 बटे वेक्टर ए मॉड ए अंडर रूट और मॉड बी, गुणा उड़ा आता है तो थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस का 5 बटे अंडर रूट 11 × 77, जो भी आंसर आ जाएगा वो थीटा तुम्हारा। आया समझ में, ये टॉपिक आगे बढ़ाए कर लो।